लोग पेंगुइन एपिसोड 6 ड्रॉप आउट हो चुका है। चलो बात कर लेते हैं क्या क्या सरप्राइजेस लेकर आया है ये एपिसोड हमारे लिए, जिसका नाम गोल्ड समिट है। और वाकई में ये गोल्डन एपिसोड है, क्योंकि जो स्टोरी ने बिल्डअप लिया है यहाँ से, सेल्वाटोर एंड जिगांटे जैसे ही एक और पावरफुल गैंग ऑज़वाल्ड ऑज उर्फ अपने पेंगुइन भाई की बन चुकी है। हाँ, स्टोरी बिल्डअप है तो थोड़ा स्लो लगेगा आपको ये एपिसोड, लेकिन इसकी ग्रेविटी बहुत बहुत डीप एंड काफी सॉलिड है। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की एंडिंग में हमने देखा था ऑज ने जो ड्रग रेसिपी सोफिया से चुराई थी वो उस पर काम शुरू कर चुका है और पूरे गॉथम सिटी में अपना धंधा भी सेट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि ऑज ने कभी किसी का भरोसा कमाना नहीं जीता सॉरी नहीं सीखा, और जिस एरिया में वो अपना ड्रग सेल करना चाहता है वहां के लोकल गैंगस्टर उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट ऑज से हाथ मिलाने का यह है, सीधा सेल्वाटोर एंड सोफिया से दुश्मनी मोल लेना। तो बाबा अपना पेंगुइन पहले इस लोकल प्रॉब्लम से निपटना पड़ेगा। दूसरी तरफ सोफिया एंड सेल्वाटोर जो घात लगाए बैठे हैं, जिनको पेंगुइन की कोई खबर नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहा है, जहां एक बार के लिए सोफिया एंड सेल्वाटोर का रिलेशन बाप बेटी टाइप भी देखने को मिला है। इसी के साथ अपनी सोफिया का चक्कर अपने डॉक्टर भाई से भी चल रहा है। बट सोफिया डे बाई डे डाइंग टू सी पेंगुइन इन पेन, वो बस अपनी तरफ से पहला मूव चलना चाहती है जिससे अपना पेंगुइन अंदर तक हिल जाए, उसकी कोई ऐसी चीज कीमती चीज छीनना चाहती है जिससे वो तड़पे। एंड तभी सोफिया को उसकी गर्लफ्रेंड रोजी के बारे में पता चलता है। देन सोफिया उसको मारने भी जाती है पर दोस्ती करके लौटती है, क्योंकि सोफिया के साथ साथ रोजी भी अपने पेंगुइन से धोखा खा के बैठी हुई है। लेकिन रोजी ने अपनी सोफिया को एक सॉलिड टिप भी दी उसकी जान बख्शने के बदले में, पेंगुइन का एड्रेस, और यही तो सोफिया को चाहिए था। उसे कोई धन दौलत थोड़ी चाहिए, बस ऑज को पेन में देखना है, तड़पाना है, उसे सफर कराना है बस। लेकिन दूसरी तरफ अपनी विक्टर भी भाई मर्द बन चुका है और बहुत अच्छी तरीके से पेंगुइन के इस बिजनेस को हैंडल भी कर रहा है, क्योंकि अधिकतर सप्लाई यही कर रहा है और पेंगुइन के लिए यही एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है इसकी लाइफ में। और पेंगुइन का राइट हैंड बनकर उसके ड्रग हब को भी संभाल रहा है, जिसे नया नया इन्होंने सेट किया है, और ये लोग बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। इसी बीच विक्टर को अपने पुराने दोस्त को भी मारना पड़ा, क्योंकि वो विक्टर के लिए थ्रेट का काम कर रहा था और ऐसा करना बहुत जरूरी भी था। दूसरी तरफ विक्टर पेंगुइन की मदर का काफी ख्याल भी रखता है, तो विक्टर बहुत सॉलिड सपोर्टिंग रोल है पेंगुइन के लिए, जिनके बीच में एक बाप बेटे वाला सॉफ्ट कॉर्नर भी इजाद हुआ है। दूसरी तरफ पेंगुइन उन सारे लोकल गैंगस्टर को एक बेस्ट स्पीच देने निकल गया है एंड एक फाइन लीडरशिप क्वालिटी, ऑल्सो सम ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेटिक टेक्निक के साथ उन सारे लोकल गैंग्स को कन्विंस करने में सफल भी रहता है, जिसका मेन हथियार उनको भड़काने के लिए सेल्वाटोर एंड सोफिया काफी थे, क्योंकि ये दोनों गैंग या फिर दोनों फैमिली पूरे शहर में राज करते हैं, क्योंकि वो बहुत अमीर हैं और वास्ट लेवल पर बिजनेस सेट करके बैठे हैं। और यही चीज पेंगुइन इन्हें समझाना चाहता है कि अभी खुल के सर उठा के जीने का मौका आ गया है, किसी से डर डर के नहीं, और अपना एम्पायर सेट किया जाएगा। तो बाबा ये गूज़बम्प मोमेंट था, क्योंकि पेंगुइन की स्पीच कट टू कट टॉप नॉच थी। बट बात वही हो जाती है कि पेंगुइन ने कभी भरोसा कमाना नहीं सीखा और यही बाकी लोग अटक जाते हैं। दिल का बुरा नहीं है अपना पेंगुइन, क्या करे, उसे सर्वाइव करने के लिए जो हाथ लगा उसने वो किया, और यही वो उनको भी एक्सप्लेन करता है। जहां लोकल गैंग मेंबर्स थे द ट्राइड्स, जो इनमें सबसे पावरफुल है, अदर्स आर द ओडेसा मॉब, द लो बॉयज, द सुलिवन क्राइम फैमिली एंड द क्राउन्स। तो ये 5 लोकल गैंग है, या फिर लोकल फैमिली कह सकते हो। पेंगुइन की एक न्यू पावरफुल गैंग तैयार हो चुकी है, लेकिन पीठ पीछे जो पेंगुइन को नहीं पता है, सोफिया उसकी बहुत कीमती चीज छीनने आ चुकी है, क्योंकि रोजी से जो एड्रेस मिला था, पेंगुइन वहां मीटिंग में बिजी है, और यहां विक्टर एंड पेंगुइन की मॉम अकेले ही हैं घर पे, एंड सोफिया की एंट्री घर पर हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है सोफिया क्या करेगी, पेंगुइन की मॉम को आरती उतारेगी? तो बाबा नहीं, इसी मोमेंट के लिए तो सोफिया काफी लंबे समय से वेट कर रही थी। एंड डेफिनेटली सोफिया उसकी मॉम को मारेगी, क्योंकि पेंगुइन ने भी तो उसके भाई को मारा था, अल्बर्टो फाल्कोन, और वो सेम पेन पेंगुइन को भी फील कराना चाहेगी। एंड आफ्टर दिस पॉइंट एक भीषण युद्ध हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि पेंगुइन भी अब अपना कमजोर नहीं रहा है। उसके पास भी मैन पावर है, गैंग मिल चुका है बड़ा वाला। उधर सोफिया एंड सेल्वाटोर एक साथ मिलकर और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो बाबा देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड से हमें कैसी गैंग वॉर इस शो में देखने को मिलेगी। बाकी आपने भी एपिसोड देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।